ये फिलहाल आपको अंदर की जो हरियाणा की संस्कृति होती थी, हरियाणा की संस्कृति के बारे में हम आपको दिखाएंगे। हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे, वो संस्कृति, हरियाणा की संस्कृति या जो अपना संस्कृति था वो आपको दिखाएंगे इन तस्वीर के माध्यम से। जो अपना पुराने टाइम में बुजुर्ग रहते थे वो कैसे रहते थे, फिलहाल आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और जो अपना पूरा एक कुछ टाइम पहले आप देखते थे कि सांग होता था, अपना जो सांग होता था वो सांस्कृतिक मंचन होता था, वो सांग आज यहाँ पर चल रहा है। आपको फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल आप देख सकते हो वो सांग यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, भीड़ काफ़ी भीड़ लगी हुई है देखने के लिए। जो हमारी पुरानी संस्कृति होती थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। फिलहाल जो हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर पहुंचे थे और आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। जो हमारी एक तो हरियाणा की, जो हरियाणा की आन बान शान जिसको हुक्का कहते हैं, वो आन बान शान जो हरियाणा की आन बान शान होती है वो हुक्का भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। वह अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली है जो हमारे पुराने टाइम में बूढ़े बुजुर्ग ये जो अपना गाड़ी या अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई इसको क्या बोलते हैं, जो ये लकड़ी की है इसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। और ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल जो हमारे पुराने टाइम में जो ये दरवाजे होते थे, ये डिजाइन होता था, वो डिजाइन भी आपको यहाँ पर हमें देखने को मिला है। फिलहाल इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, तो अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको दोबारा से ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, फिलहाल आप ये देख सकते हो। तो फिलहाल जो अपना पुराना खेतों के ये खेतों में औजार होते थे वो औजार भी आपको दिखाए जा रहे हैं। ये अलग अलग औजार है, आपको ये जो अपना खेतों में यूज किए जाते थे वो औजार भी आपको दिखाए जा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना भाई, ये जो बीच में आपको फट्टा है, ये जो दोनों तरफ कड़े दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। और इसके बारे में भी अपनी राय जरूर रखना, जो ये साइड वाला है, साइड वाला के बारे में भी कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, इसको क्या बोला जाता है। और फिलहाल यहाँ पर जो अपना पुराना टाइम की ये क्या चीज़ है, ये न्योला, आजकल तो हमें ये नहीं पता भाई न्योला किसको कहते हैं, जो अपनी नई जनरेशन है उसको न्योला का नहीं पता क्या किसको बोलते हैं। तो फिलहाल ये न्योला दिखाया जा रहा है आपको। तो ताऊ जी न्योला किसको कहते हैं, थोड़ा तेज पायदान नहीं है जो। अच्छा पायदान, ये तो पायदान जो तो कड़े काम आए कर जाता हुआ हाथ और पाँव बांधने के लिए। तो फिर फिलहाल न्योड़ा है भाई, न्योड़ा नहीं, हाथ और पाँव बांधने के लिए काम आता था। फिलहाल आपको अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर छाबड़ा है या और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई दे रही है। जो अपने पुरानी संस्कृति होती थी वो आपको यहाँ पर, जो गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर है वहाँ पर देखने को मिली है। आप बने रहिए उल्लास हरियाणा न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद।